हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों का। निया की दुनिया चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं आज एसी परचेस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे घर के पास में ही है मलाड़ा क्रोमा, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जो मुझे चाहिए जो एसी वो एसी है या नहीं। अगर वो मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, मैं वहीं से परचेस कर लूंगा। अगर नहीं मिली तो फिर मैं कहीं और जाऊंगा, बोरीवली जा सकता हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं ट्रैफिक सिग्नल में रुका हुआ हूँ और फिलहाल नहा के आया हूँ, इसलिए बाल भी उतने अच्छे सेट नहीं है, तुरंत नहा के आया हूँ। और यार यहाँ पे तो गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन किस्मत मेरी कार की एसी पूरी तरह से सुधर चुकी है, अभी बढ़िया एसी चालू है और उतनी ज्यादा गर्मी फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हो रही है। और मुझे पता नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ तो मेरी नाक में क्या हो जाता है मालूम नहीं। खैर अभी सिग्नल छूट गया, हम आगे चलते फिर बात करते हैं, वहां पे सीधे शोरूम में पहुंच के आपसे। एक और सिग्नल लग चुका है और सच बताऊं ना, एसी काम तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि एसी काम नहीं कर रही है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर तकरीबन मेरे ख्याल से 35 डिग्री सेल्सियस है ये महीने में, 35 डिग्री मतलब अजीब लगता है। तो एसी उतने ज्यादा ठंडक नहीं कर पा रही है। तो अभी खैर फटाफट शोरूम में पहुंचा है, वहां पे बढ़िया एसी मिलेगी और फाइनली मैं खुद के लिए तो एसी लेने जा रहा हूँ। बहुत टाइम से था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और आज भी मिल पाएगी नहीं यार। मैं ये नहीं कहना चाहता ऐसा निगेटिव, मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि अब मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही है। तो मास्क भी लगाया हुआ हूँ कार के अंदर। देखो जितने लोग मेरी फिक्र करते हो कि मैं मास्क नहीं लगाता हूँ बाहर जाता हूँ, तो देखो मैं मास्क लगा रहता हूँ। मैं मास्क ऐसी ही जगह हटाता हूँ जहाँ कम से कम 200-300 मीटर तक लोग मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी एसी की बात करें तो 2-3 कंपनी है, ब्लू स्टार, कैरियर और डाइकिन, लेकिन ब्लू स्टार मुझे बेटर लगी, 1.5 टन की मैं खरीद रहा हूँ। आगे बढ़ते सिग्नल फिर से खुल गया। आ गए हैं फिलहाल क्रोमा में और यहाँ पार्किंग भी कर दिया हूँ, दिखा देता हूँ। लॉक मुझे दूसरी तरफ से भी चेक करना पड़ता है क्योंकि इसका लॉक उतना ज्यादा सही है नहीं कि दोनों तरफ से अपने आप लॉक हो जाए। इसके सेंट्रल लॉक में थोड़ा सा इशू है, तो किस्मत से ये खुला ही नहीं था। तो अभी हम पहुँच गए क्रोमा और सीधे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें हमारी यहाँ पे एसी मिल पाती है या नहीं। ब्लू स्टार की 1.5 टन, 5 स्टार, 5 स्टार नहीं मिली तो 3 स्टार ले लूंगा, देखते हैं चलो यहाँ मिलती है तो बहुत सारी, अभी देखते हैं यहाँ मिलती है या नहीं। वो जनरल, मित्सुबिशी और हिताची है, एलजी नहीं, ये क्रोमा। तो ये है वो एसी जो मेरी हो चुकी है, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई। डीमार्ट जाना सोचा था लेकिन लाइन इतनी खतरनाक है जैसे कोई लिमिट नहीं, वो वहाँ से एंटर शुरू हो रही है और यहाँ तक लाइन आई हुई है, तो मैंने सोचा जाने से कोई फायदा है नहीं, तो निकल जाते हैं अपने घर पे के लिए ही डायरेक्ट। तो सामान जो लेना है वो बाहर से ही ले लूँगा, 4-5 एसेंशियल चीज़ें थी ज़रूरी वाली, तो सोचा था ले लूँगा, लेकिन अब भीड़ी इतनी ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा यार, बहुत टाइम हो जाएगा और वैसे भी लगभग 2 घंटे हो गए निकले हुए। एसी ले चुका हूँ, मिल गई है, कल डिलीवरी मिल जाएगी और मंडे को इंस्टॉल हो जाएगी, तो अभी टेंशन फ्री। अभी डायरेक्ट जाता हूँ घर के पास से ही, जो सामान लेना था वो लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड मिल गए थे हरीश जी, जो हमारे एक जो चैलेंज था चेंजिंग क्लॉथ वाला, उसमें जो जज बने थे, तो अभी अभी अंदर गए, लैपटॉप खरीदने आए हुए थे और मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ। ये देखो ये कबूतरों का कारनामा, क्या बोलूँ अभी, अभी निकलते हैं डायरेक्ट घर पे और घर चल के बात करते हैं आपसे। दिन भर का काम खत्म हो गया और मैं भी खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक पे निकल आया, ये देखने के लिए कि मेरी कार जहाँ आज मैंने पार्क किया हूँ वो सही से पार्क है या नहीं, क्योंकि आज दरअसल कुछ काम चल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये रोड खुदी हुई है, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती थी लेकिन ये रोड वोड खुदने की वजह से मुझे गाड़ी हटाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेट टाइप का लगा दिए थे, तो मैंने थोड़ी आगे खड़ी किया, तो मैंने सोचा चलो एक राउंड खाना खाने के बाद मार भी लूँगा और देख भी लूँगा गाड़ी सही से खड़ी है या नहीं। तो अभी बढ़िया से, क्योंकि वहाँ पे तो करीबन मेरे जैसी 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, एटलीस्ट सच में 50 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं। जब तक पार्किंग नहीं मिल जाती ना तो थोड़ा टेंशन बना ही रहेगा, क्या बोलूँ अभी मैं, लेकिन अभी कुछ दिन में मिल ही जाएगी, ये होता ही है। मुंबई में सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि आपको घर मिल जाएगा रहने को, लेकिन अपनी गाड़ी रखने को
पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास तो दो दो गाड़ियां हैं यार, जिसके पास एक गाड़ी हो उसको नहीं मिलता है। तो मेरा दो सुन के तो लोग पहले ही बोल रहे थे दो गाड़ी, नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा झंझट है। लेकिन अभी कुछ दिन में मिल जाएगी, अभी खुद का घर लेना है और खुद की पार्किंग लेना है, टेंशन ही नहीं। ये कब तक ये झंझट, पार्किंग वार्किंग रेंटेड घर, अभी खुद का कर लो, खुद की पार्किंग बनाओ, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। अभी मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर, और अभी घर पे जाके डायरेक्ट बिग बॉस वगैरह देखूँगा। बिग बॉस तो नहीं, स्कैम 1992, हाँ ठीक है, वो भी वो देख सकता हूँ। और उसके अलावा क्या है, करोड़पति देखता हूँ मैं, करोड़पति देखने का बहुत शौक है। तो बस अभी घर पहुँचता हूँ, और आप लोगों से तो कल ही बात हो पाएगी, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलिए दोस्तों। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि अगली बार से जब भी आऊँगा उससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मन में कुछ भी बात आ रही है जो मुझसे करना चाहते हो, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो बात आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खाली क्लिक करना और डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते रह सकते हो, मुझसे जुड़े हुए भी रह सकते हो। तो चलो हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मास्क था मेरा, और मैं इतना इसलिए चल रहा था बिना मास्क के, क्योंकि भाई रात के 12:30 बज रहे हैं, और 12:30 बजे आजकल एरिया जो है सुनसान होने लगा है। तो टेंशन मत लो, मुझे भी मेरा ख्याल है, और थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। देखो मैं फंबल भी होने लगा, क्योंकि थक बहुत गया हूँ, बहुत ज्यादा काम रहा, बहुत ज्यादा वॉकिंग हुई, बहुत ज्यादा ड्राइविंग हो गई। अरे हो गया ना, अभी मैं आराम करूंगा, कल बात करता हूँ आपसे। चलो बाय।